रुबीना द लेक और साथ में निकी तांबोली की हुई बड़ी फाइट किचन के कामों को लेकर आखिरकार क्या फैसला लिया है रुबीना ने और निकी तांबोली ने, बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं मृदुल ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। हमने रुबीना को काफी कॉमेडी करते हुए देखा है और साथ में मुंह पर सच बोलते हुए भी देखा है। आपको बता दूं, चाहे सीनियर्स हो या फ्रेशर्स हो, किसी के सामने भी वो चुप नहीं बैठती है, लेकिन उनका पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही होता है। अब ऐसे में आज के एपिसोड में आप क्या देखने वाले हैं उसका थोड़ी बातें हैं जो वो मैं आपको बता देती हूँ। सो यहाँ पर रुबीना ने कहा है निकी तांबोली को कि चॉपिंग का काम उनका है, जो खाना बनाना है उस खाने की चॉपिंग जो होने वाली है, वेजिटेबल्स जो चॉप करनी है, उनका काम जो है वो निकी तांबोली का है। निकी तांबोली इस काम को करने से मना कर देती है ये कहकर कि अब मैं भी इस घर की सीनियर हूं तो मैं भी कोई काम नहीं करूंगी, लाइक जैसे गौहर खान, सिद्धार्थ शुक्ला और हिना खान नहीं करे। बट आपको बता दूं कि सीनियर होने के बावजूद भी इन घर के अंदर इन सीनियर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है। कई बार गौहर खान, हीरा खान सबको कुछ ना कुछ काम करते हुए देखा गया है, लेकिन यहाँ पर निकी तांबोली कहती है कि मैं भी सीनियर हूँ, मैं काम नहीं करूंगी। तो यहाँ पर रुबीना कहती है कि आप सीनियर नहीं, टू बी कन्फर्म से कन्फर्म कंटेस्टेंट बने हो, देयर इज अ डिफरेंस। साथ में यहाँ पर कहती है रुबीना कि आपको, आप भी कंटेस्टेंट हो तो आप भी घर के काम करोगे, आपको कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जिसके लिए निकी तांबोली साफ साफ मना कर देती है। तो यहाँ पर रुबीना इस बात का ऐलान कर देती है कि अगर निकी तांबोली चॉपिंग नहीं करेगी तो आज घर में खाना बनेगा ही नहीं। इस लड़ाई के बीच में अभिनव शुक्ला भी उतरते हैं और अभिनव जो है वो रुबीना का प्रॉपर साथ देते हैं और वो भी इस बात पर अग्री करते हैं कि अगर निकी तांबोली काम नहीं करेगी, खाना नहीं बनेगा। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार निकी तांबोली झुकेंगी या नहीं, कंटेस्टेंट के लिए खाना ना बने इससे वो काम करेंगे नहीं, देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या करना चाहिए निकी तांबोली को? कमेंट सेक्शन में राय बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, बन रही है चाल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।